आदाब नाज़रीन, मैं हूँ सैयद मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं लिब्रा न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सल्तनत परवीन जी, जो SDM है फतेहपुर से। हम इनसे जानेंगे कि आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिली। मैंने एक्चुअली UPPCS में 6th रैंक हासिल किया 2022 वाले एग्ज़ाम में। मोटिवेशन की बात करें तो बेसिकली मेरे वालिद का ये ख्वाब था, बिकॉज दूर दूर तक मेरे पूरे ख़ानदान में कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है। ज़्यादातर लोग या तो गल्फ कंट्रीज जाते हैं या वही नॉर्मल ऑफिस रूटीन फॉलो करते हैं। तो एक ये भी मोटिवेशन था, उनका हमेशा से एक चाहत थी कि कोई सरकारी नौकरी में आए और बेटी करे, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। तो ये बेसिकली मोटिवेशन मुझे मेरे वालिद से मिलता है। अभी आप SDM हैं, जब आप तैयारियां कर रही थी आपने 3 बार इंटरव्यू दिया, 4थी बार में आपका जो है क्लियर हुआ। इस बीच आपको किन कठिनाइयों, किन परेशानियों का सोसाइटी से, समाज से सामना करना पड़ा? मैंने UPPCS में 4थी अटेम्प्ट में ये मुकाम हासिल किया था। कठिनाइयों की बात करें तो जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स लाइफ में होता है, एक तो मैं ऐसे बेसिकली मेरा जो मूल निवास है वो कुशीनगर से है, तो एक वो देहाती एरिया है, वहाँ पे पढ़ाई के ये सोर्सेज नहीं होते, तो वहाँ से निकलना एक बड़ी बात थी, बिकॉज हायर स्टडीज़ के लिए वहाँ पे ज़्यादा प्लेटफॉर्म था नहीं। क्लास 8 के बाद एफिलिएटेड स्कूल्स नहीं थे, तो मेरी वालिदैन का था, मेरी अम्मी का था कि बच्चों को आगे तक पढ़ाना है, तो वहाँ से गांव से निकल के लखनऊ जैसे शहर में बसना, अकेले 3 बच्चों को संभालना और अकेली औरत। उस वक्त मेरे फादर सऊदी में रहते थे, तो ये मेन उनका स्ट्रगल है जो मैं आज यहाँ पे हूँ। स्टूडेंट लाइफ में जो चीज़ें आती हैं कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, बिकॉज़ घर में कोई ऐसा इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था जो मुझे गाइड कर सके कि कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो एक एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि मैंने खुद से सीखा, एक्सपेरिमेंट किया और फिर अपने तरीके मैंने खुद इजाद किए और उस रास्ते पर मैं चली, और माशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर हूँ आज। अभी आपने बताया कि आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हमारी सोसाइटी में एक चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि पेरेंट्स भी इस चीज़ का ताना सुनते हैं, क्या ऐसा आपको भी, आपको रिलेट कर पा रही है आप इस चीज़ से? बिल्कुल मैं रिलेट कर पा रही हूँ। एक तो लड़की होने के नाते ये चीज़ें हमें ज़्यादा फेस करने को मिलती हैं, लड़कों को नॉर्मली चांस मिल जाता है, बिकॉज एक हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कह सकते हैं, तो फेयर चांसेस लड़कों को तो मिल जाता है, बट कई लड़कियां आज भी ऐसी हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, जल्दी शादी हो जाती है, और प्लस अगर कोई हिम्मत करके कोई माँ बाप उन्हें पढ़ाना भी चाहे तो उन्हें अपने रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, अपने दोस्तों की ताने सुनने पड़ते हैं कि लड़कियों को पढ़ाने का क्या मतलब है, एक दिन तो शादी करके विदा ही हो जाएगी, तो उस पर क्यों खर्च करना। तो ये चीज़ें मैं भी रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि मेरे भी जानकारी में आया था कि लोग ऐसे ताने मारते थे, तो ये मेरे वालिद का, मेरे वालिदैन का हिम्मत है जो उन्होंने ये सब सुना और उसके बाद भी मुझे सपोर्ट किया और मैं यहाँ पे हूँ। जो बच्चे तैयारी करते हैं, आपने बताया कि फीमेल्स को कम चांसेस मिलता है, मेल्स को मिलता है, उन मेल्स में जो भी तैयारी करते हैं बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं, जो नहीं सेलेक्ट होते हैं वो फिर डिप्रेशन का शिकार होते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? UPPCS या UPSC एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बहुत ही अनडिफाइंड है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, इसका सक्सेस रेशियो अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है। एक तो आपकी मेहनत इसमें काम आती है, प्लस आप किस्मत भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आप किस्मत है किस्मती हैं तो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, तो सक्सेस रेशियो इसमें बहुत कम है, फेलियर रेशियो ज़्यादा है अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की बात करें तो। जो नहीं निकाल पाए एग्ज़ाम या जो ये चीज़ हासिल नहीं कर पाए जो उन्होंने ड्रीम किया था, तो वो यूजुअली बहुत निराश हो जाते हैं या लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उनसे मैं ये कहूँगी कि अगर आपके पास अटेम्प्ट्स हैं तो आप फिर से उठिए, फिर से तैयारी कीजिए और मेहनत से करिए, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप, मैं जानती हूँ आप ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, बट इसमें यह है कंटिन्यूटी चाहिए, तो अगर आप वो मेंटेन करें तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। और डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ देर आर मेनी 100 ऑफ वेज़ जो UPSC से परे है जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं, तो डिप्रेशन जैसे तो कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपने माँ बाप से बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए, ये चीज़ें आपको इसमें ज़रूर हेल्प करेंगे। आपने बताया फेलियर रेशियो ज़्यादा है, आपका कभी कोई प्लान भी था, आपको कभी ऐसा लगा था कि, क्योंकि आप 3 बार जो है आपने अटेम्प्ट दिया था, 4थी बार आप जो है सक्सेसफुल हुई हैं, कोई आपका प्लान भी था इसको लेकर? शुरू में तो कोई प्लान भी नहीं था, बट जैसे जैसे मुझे फेलियर पे फेलियर बार बार फेस करना पड़ा तो मैंने सोचा एक प्लान भी होना चाहिए, तो चूँकि मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ तो मेरा प्लान भी यही था कि इफ़ नॉट UPSC या UPPCS देन आई विल गो फॉर कॉर्पोरेट जॉब, मैं IT सेक्टर में ज्वाइन करूँगी, सो दिस वॉज माई प्लान बी।
एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, लाइफ बिफोर एसडीएम, लाइफ आफ्टर एसडीएम, आपको क्या बदलाव आए आपकी ज़िंदगी में? बदलाव बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है एक्चुअली, बिकॉज जब हम स्टूडेंट होते हैं जब, तो मैं बहुत एक आम सी लड़की हूँ, लोगों की नज़र नहीं होती है। जब हम कामयाब हो जाते हैं वही चीज़, तो लोग देखते हैं कि पीछे का आपका क्या स्ट्रगल है, आपकी बात सुनते हैं वो, एक सम्मान मिलता है। तो इनिशियली लड़कियों के लिए इस समाज में अगर अपनी एक पहचान बनानी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो कामयाब बने, एक मुकाम हासिल करें। तो मैं लड़कियों से खास करके ये अपील करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ जो भी कर रहे हो, नॉट ओनली गवर्नमेंट सर्विस, जो भी आप कर रहे हो आप प्लीज़ उसमें लगन से करिए, अपना एक मुकाम हासिल करिए, बाकी चीज़ें तो हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे सल्तनत परवीन जी को, जिन्होंने बहुत सारी मोटिवेशनल बातें हमें बताई और अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बातें उन्होंने बताई। सैयद मोहम्मद हसन के साथ लिमरा न्यूज़।